मनरेगा 2005 में एक्ट लाकर ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी का एक्ट यूपीए की सरकार ने उसको पास कराया और उस मनरेगा से लोगों को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी हुआ। मनरेगा मुफ्त की रेवड़ी है, पर 2019 में जब कॉरपोरेट टैक्स की रेट्स को कट किया गया जिसके कारण प्रतिवर्ष भारत सरकार को 1,45,000 करोड़ का नुकसान है, उस मुफ्त की गजक के बारे में कोई डिबेट नहीं, कोई डेलिब्रेशन नहीं। क्यों मोदी जी, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उनसे, गजक खाने वाले लोगों से, कि जिन 2019 में कोरोना के पहले भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की जो रेट थी उनको कम किया और उस कमी से सिर्फ देश के 1% कॉर्पोरेट्स को फायदा मिला, उस कमी के कारण देश की सरकार को प्रतिवर्ष 1,45,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उस मुफ्त की गजक के बारे में हिसाब कौन देगा। मिड डे मील जिसमें 12 करोड़ बच्चों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है वो मुफ्त की रेवड़ी है, पर ये 1,45,000 करोड़ रुपया प्रतिवेश वर्ष भारत सरकार ने फॉरगो कर दिया, उस मुफ्त की गजक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो मुफ्त की रेवड़ी खराब, तो ये मुफ्त की गजकों को कब रोकोगे?